हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, देखिए, कहा जाता है शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है, एक ऐसा ताकत होता है जिसमें कि सिर्फ यदि आप ध्यान दे दिए तो आप बहुत आगे उन्नति कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसे रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और रट करके आप आगे बढ़ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज़ कुछ सीमित समय तक के लिए ही माइंड में रहेगा, लेकिन समझा हुआ चीज़ और ध्यान से पढ़ा हुआ चीज़ हमेशा साथ देता है। तो मैं अपने क्लासेस में भी ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ, कभी रटवाने का मेरा प्रवृत्ति नहीं रहता। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग का जो आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 18 है WCS का 500 MCQ सीरीज का, और क्लास नंबर 37 आज का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 268 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं सभी लोग, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है CBT, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और सभी ट्रेड के बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 268 नंबर देखिए क्या कहता है। व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ द इमर्सन हीटर? इमर्सन हीटर आप लोग को पता है, जिसको कि आप लोग घरेलू भाषा में जो है क्या बोलते हैं उसको, वाटर हीटर जो रड बोलते हैं, आता है ना वो लंबा टाइप का, ठीक है, उसको वाटर हीटर रड बोलते हैं, या फिर इमर्सन रड उसको कहा जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपसे वोल्टेज पूछा गया है उसका, जब उसका रेटिंग कितना है, देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, ओके, पी का वैल्यू है, पावर जो है 500 वाट है, आई का वैल्यू जो है 2.27 है, वोल्टेज निकालना है। बहुत ही आसान है, हम लोग निकाल लेंगे, कल भी पढ़ाए थे पी इक्वल टू वी आई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे वी मांगा गया तो वी को इधर रख देते हैं और पी डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 500 और डिवाइड बाय आई का मान कितना हो गया 2.27। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये समथिंग आपका जो वैल्यू आएगा 2.26 आएगा, ठीक है। इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसको आप कीजिएगा, इतना वोल्ट होगा, अप्रॉक्स वैल्यू में जाइएगा तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि इसके अगल बगल और कोई वैल्यू नहीं है। 230 दिया है, 210 दिया है, तो बहुत ज़्यादा गैप है, इस वजह से हम लोग इसमें लगाएंगे, जो अप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को ज़रूरत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 269 जो क्वेश्चन है कहता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का, इसमें आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है, इसमें चैप्टर एक चैप्टर दिया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, तो वो पार्ट अभी करा जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत ही बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं, बेसिक सब क्वेश्चंस हैं जो कि करा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। और एक तो पावर पे पी इक्वल टू वी आई पे और वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, इन दोनों पे क्वेश्चन 101% आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और जितना पढ़ा है उसके अंदर से ही आएगा, उसके बाहर से कदापि नहीं आएगा। चलिए तो 269 नंबर देखिए क्या कहता है कि यूनिट आपसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पूछा गया है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट पूछा गया है। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पढ़ाया था मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ाया था, ठीक है, तो वो वाला क्लास में आप लोग इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हालांकि फिटर के बच्चे हैं, चाहे वेल्डर ये सब के बच्चे हैं, तो उनको उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उन्हें भी देखेंगे चलेगा, लेकिन वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे हैं तो वो देख लें, उन वीडियोज़ को भी देखें, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को ट्रेड थ्योरी में फिर हेल्प होगा, ट्रेड थ्योरी में फिर और इससे डीप में भी क्वेश्चन आएगा, ओके। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए बात हम लोग करते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का यदि बात करते हैं, इसका जो इकाई होता है क्या होता है, वेबर पर मीटर, ठीक है, वेबर पर मीटर, ये इसका हो जाएगा क्या, इकाई हो जाएगा, ओके। अच्छा इसमें देख लीजिए, कूलम्ब जो है किसका इकाई होता है, कूलम्ब चार्ज का होता है, ओके, किसका होता है, चार्ज का। हर्ज किसका यूनिट होता है, हर्ज फ्रीक्वेंसी का होता है, ओके। और ये तो ऐसे इसको उल्टा करके दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखिए क्या कहता है, विच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कौन सा नियम बताता है? तो देखिए ओम्स लॉ की यदि बात करते हैं, तो ओम्स लॉ कल ही पढ़ा रहे थे कि ओम्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ को लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, वी इक्वल टू आई आर से लेना देना है, उसको वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड है ये ओम्स लॉ, तो ये तो नहीं होगा।
हुक्स लॉ जो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ने को मिलता है या फिर फिटर ट्रेड वाले ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टर्म तो नहीं होगा, ठीक है। लेंज लॉ भी कट जाएगा क्योंकि ये एक कॉज को चेंज करने के कारण जो आता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आता है, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, ये सब जो है इसमें हम लोग लेंज लॉ में पढ़ते हैं। और जो फैराडे लॉ है जिसमें कि दो लॉ है फैराडे का, ठीक है, ये पूरे डिटेल्स में मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड वाले क्लासेस में, आप लोग उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ जो है आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका चल गया ऑप्शन नंबर डी फैराडे लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 271 क्या कहता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है। ओके, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटो फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटो या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इंड्यूस्ड बोल रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा। देखिए आप लोग को क्लासेस में मैं बताया था मैग्नेटिक फील्ड वाले क्लास में कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई जो होता है, ओके, ये क्या होता है, बी, ओके, बी एल वी साइन थीटा, साइन थीटा होता है, ठीक है, बी एल वी साइन थीटा, जहाँ की बी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है। एल क्या है, एल आपका है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की लंबाई। और वी क्या है हमारा, वी वोल्टेज, ओके, तो ये हमारा, और साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा आपका जो है एंगल है, ठीक है, और साइन के टर्म्स में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपसे आएगा तो बी एल वी साइन थीटा, याद रखिएगा, अब वोल्ट तो इकाई दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 272, व्हाट डज ईएमएफ स्टैंड्स फॉर, इसका ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, अभी मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, इतना कितना मतलब कि कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस मिलते हैं एग्जाम्स में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, ये तो सुने ही नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आते हैं इस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, और इलेक्ट्रोमेटेड फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये टर्म भी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमेटेड फोर्स भी नहीं है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कि हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और ये जो है क्या होता है, विद्युत वाहक बल, हिंदी में बोला जाता है विद्युत वाहक बल, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, अब इसको मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाने के लिए, ढकेलने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटो फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। तो जब तक ये फोर्स नहीं आएगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ईएमएफ कौन देता है, बैटरी देता है, सेल देता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, आगे ढकेलता है। और इलेक्ट्रॉन्स आगे एक बार ढकेलाया गया, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यदि आगे बढ़ा तो चार्ज क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, ओके, तब धारा प्रवाह होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ है, तो धारा प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि इंसुलेटर की मैं बात करूं, लाइक प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ऊड हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, ना के बराबर है एकदम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो आप उसमें फोर्स भी दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी भी उसको लगाइएगा, जोड़िएगा, सेल्स जोड़िएगा, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मूव क्या करेगा, मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगा, समझे बात को। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 273 की ओर। कहता है देखिए, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ।
अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण पूछा गया है। स्टैटिकली देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, ओके, मतलब जो वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हुआ, कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है और एक ये है, तो इसके कारण इस पे जो है दूसरे वाले कंडक्टर्स पे, एक कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर पे मान लीजिए, ठीक है, या एक बॉडी के कारण दूसरे बॉडी पे यदि कोई आवेश आया, या फिर हम लोग कहेंगे यदि कोई वोल्टेज डेवलप हुआ इसके बिना कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट में आए यदि इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो स्टैटिकली, ठीक है, मतलब रुका हुआ ईएमएफ का एग्जांपल पूछा गया है, वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ईएमएफ का सिर्फ नहीं पूछा गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूछा गया है। तो रुका हुआ का यदि मैं बात करूं, तो देखिए यहां पे रेफ्रिजरेटर तो एकदम हटा ही दीजिए, रेफ्रिजरेटर तो होगा नहीं, ये आपका जो है ये इसके सिद्धांत पे काम नहीं करता है, इंड्यूस्ड या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर स्टैटिक या डायनेमिक किसी पे काम नहीं करता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से रेफ्रिजरेटर वर्क में आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं रेफ्रिजरेटर। अब रही बात ये तीनों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, तीनों ये ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर तीनों, तो देखिए अभी यदि बात करेंगे जनरेटर का, तो जनरेटर में देखिएगा कि जनरेटर में जो अंदर जो कुछ पार्ट जो है मूव करता है, ठीक है, जो रोटर होता है वो मूव करता है। मोटर के केस में भी देखिएगा कि कुछ ना कुछ घूमता है अंदर जरूर, ठीक है, जनरेटर में भी कुछ ना कुछ अंदर घूमता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटर कहते हैं, है ना। तो जब घूम रहा है कोई पार्ट उसका, तो फिर स्टैटिकली कहाँ से इंड्यूस्ड हो पाएगा। स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका हुआ ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए। तो वैसा नौबत तो इस केस में तो हालांकि नहीं आने वाला है, जनरेटर और मोटर में आने से रहा, क्योंकि उसके पार्ट्स जो है अंदर के रोटर्स जो हैं वो घूमते हैं, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। बढ़ा गया बात ट्रांसफार्मर का, तो हाँ भाई ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, ओके, ट्रांसफार्मर में जो है ये सिस्टम होता है कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, ओके, क्योंकि ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे उसमें कोई भी पार्ट जो है मूव नहीं करता, घूमता नहीं है, अपने एक ही स्थान पे वो रुका हुआ रहता है, ठीक। और जो कॉइल होता है आपका ट्रांसफार्मर का, जो कोर होता है उसमें टर्न्स इस तरह से लगे हुए होते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकली कहीं से भी कनेक्टेड ये नहीं है, ये वायर सेपरेट है, बाहर इधर चल गया, ये हो गया प्राइमरी टर्न, और ये वाला जो सेकेंडरी हो गया, ये हो गया सेकेंडरी टर्न, ओके, कॉइल हो गया। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरह से है, तो मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है, मैग्नेटिकली या फ्लक्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ना कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक के कारण, ठीक है, कोई वायर्स ये कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है, और ये घूमता भी नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं पे कहीं से इधर से उधर कहीं भी मूवमेंट नहीं करता, एक जगह पर रहता है। इस वजह से इसमें क्या आता है, इस इधर प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में जो ईएमएफ डेवलप हुआ, सेकेंडरी साइड, इस साइड जो डेवलप होता है ईएमएफ, ओके, उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और ये स्टैटिकली होता है, रुका हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इस वजह से आंसर क्या गया, चल गया ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आ गया कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली मतलब क्या हुआ, डायनेमिक मतलब घूमता हो, चलता हो, ठीक है, रुका नहीं रहेगा, स्टैटिक मतलब रुका, और डायनेमिक मतलब चलता फिरता दौड़ता, जो भी समझ लीजिए, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक आना जाना। तो अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, तो कार, मोटर, बाइक ये तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल टर्म्स का बात कर रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ कार और मोटर बाइक जो क्या है, टोटली ऑटोमोबाइल का पार्ट है या फिर मैकेनिकल पार्ट है, ओके, तो ये सब ऑप्शन तो सीधे हट गया। अब रही बात कि यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर भी ऑप्शन दे रहा तो हो सकता था कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो ट्रांसफार्मर तो हालांकि स्टैटिक्स में जाएगा। चलिए अब डायनेमिक में बात करें तो इन दोनों में हम लोग का बात आता है, मोटर और जनरेटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा जनरेटर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो जनरेट होता है, ओके, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक या फिर पावर जो आपका जनरेट होता है, वो
डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होता है। डायनेमिकली कैसे होता है, देखिए इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे तो ये आप लोग के उतना डीप में जानने का ज़रूरत है नहीं, फिर भी चलिए इसको थोड़ा बहुत मैं हल्का सा समझा देता हूँ। देखिए ये मान लेते हैं पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल ये हो गया साउथ पोल मैग्नेट्स है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कॉइल को रखते हैं, है ना, और फिर इस कॉइल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल यहाँ आपका सीधा जा रहा है, और इन जो कंडक्टर्स हैं कंडक्टर, ओके, तो इन कंडक्टर्स को क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटने का कोशिश करते हैं। तो जब काटिएगा तो कैसे कटेगा, जब ये घूमेगा तभी तो ये जब घूमता है, ठीक है, ये कॉइल जब घूमता है दैट मीन्स डायनेमिकली टर्म यहाँ पे आ रहा है, रुका हुआ तो नहीं रह रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। जब ये घूमता है तो क्या होता है, जब मैग्नेटिक लाइन्स जो है कट होता है या फ्लक्स जो है कट होता है, जिसके कारण इन कंडक्टर्स पे जो है क्या आता है, ईएमएफ आता है, ओके। ईएमएफ आने का मतलब क्या हुआ कि उस ईएमएफ को यदि किसी तरह से यदि हम क्लोज्ड पाथ दे दें, क्लोज्ड पाथ मतलब उसको एक वायर से फुल कनेक्शन कर दें, क्लोज कनेक्शन कर दें, तो क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर्स को कट किया और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलने लगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, और जनरेशन का काम कौन करता है, तो जनरेटर करता है, इसलिए ऑप्शन चल गया जनरेटर का। अब मोटर जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है तब जाके वो घूमता है, ठीक है, मोटर का। लेकिन जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी उसको दे दीजिए, मतलब उसको रोटेशन करवा दीजिए तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, हाँ, है ना, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब मेरे समझ से आप लग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्या चीज़ मैं बता रहा था। चलिए आप लोग फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्लास एंड होने के बाद एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर की इकाई पूछी गई है तो आप लोग को तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। वोल्ट तो वोल्टेज का, ओम हो गया रेजिस्टेंस का, ओके, रजिस्टर का, और फिर यहाँ एम्पियर हो जाएगा करंट का। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 276। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट फ्लो इन बल्ब, बल्ब में करंट फ्लो पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक करेक्शन कीजिए आप, पहले सबसे पहले ये जो ये वाला पार्ट है ना वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं होगा यहाँ पे, ये वोल्टेज लेके यदि बनाइएगा 22 वोल्ट है, यहाँ क्या है 22 ओम है, तो आई का मान इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू वी बाय आर होगा। अब वी का वैल्यू यदि 22 ले लीजिएगा, यहाँ भी 22 है, तो कितना हो जाएगा 22/22 कट के कितना आ जाना चाहिए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दे दिया गया है, इसको हम लोग इरेज कर दिए हैं, ठीक है, हटा दिए। चलिए अब इसको, इस क्वेश्चन को अब समझिए कि हम लोग को यहाँ पे इन डाटास को लेके सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि करंट आपसे पूछा गया है, आई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और किसी बल्ब में बल्ब का जो पावर है वो कितना है, रेटिंग कितना है, 550 वाट है, और वो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 22 ओम है, ठीक है। आपसे आपको क्या निकालना है, आपको आई का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, समझिए, देखिए बस एक ही फॉर्मूला आप लोग को मैं बताता हूँ बार बार, ठीक है, और उस फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चंस बनेगा, पी इक्वल टू वी आई। अब देखिए यहाँ पे जो है वी का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है, करंट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, भी के जगह पे, इस भी के जगह में आई आर लिख देते हैं, ओके, भी के जगह आई आर लिखते हैं ओम्स लॉ से, क्योंकि भी इक्वल टू आई आर होता है, और ये वाला आई तो अपने स्थान पे यहाँ रहेगा ही, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, ओके, आई स्क्वायर आर। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, इसको इधर ही कर देते हैं, ये क्या आया, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आया ना, और यदि हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय आर होगा, है ना, और फिर आई का वैल्यू जब निकालिएगा आई बराबर तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी बाय आर, ठीक है, पी बाय आर। अब देखिए पी और आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू है 550 और आर का वैल्यू है 22,
तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यूज़ को रखते हैं तो कितना हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। इसको कटाइएगा जब तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। और रूट ओवर 25 का मान कितना आता है भाई, तो आता है 5। तो करंट का वैल्यू निकाल रहे इसलिए एम्पियर लिख दिए, तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 5 एम्पियर। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इसको छोटा कर दिया, समझ में आया। तो हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराए थे। देखिए 277, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, पावर कितना रिक्वायर्ड है यदि आई का मान इतना दिया हुआ है, आर का वैल्यू इतना दिया हुआ है, पी आपसे पूछा गया है। सिंपल है, अभी जो हम लोग फार्मूला जो डिराइव किए थे, पी इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर था, तो आई का मान कितना है 0.455 का स्क्वायर, और इनटू आर का मान कितना है बोलिए 484, ठीक है 484। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या नहीं निकाल पाइएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ओके, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका जो आंसर जो देगा ये आपको आ जाएगा 100.2 वाट, चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व कर लेगा बस, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर पे बन जाएगा ये। क्वेश्चन 278 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द रेटेड पावर इफ एन एडजस्टेबल रजिस्टर बियर्स द फॉलोइंग लेवल 1.5 किलो ओम स्लैश 0.08 एम्पियर। देखिए यदि एक एडजस्टेबल रजिस्टर में निम्नलिखित लेवल है तो इसकी रेटेड पावर क्या होगी, ठीक है, लेवल क्या है, यही लेवल है ये वाला वैल्यू, रेजिस्टेंस और आई का मान दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या गिवन है आपको, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो किलो ओम जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग क्या किसमें कर लेंगे, इसको ओम में करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे, वो ओम में करेंगे। तो क्या करेंगे, किलो को हम लोग जब ओम में जब चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। सिंपल है, किलो किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम को जब ग्राम में करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं कि नहीं, उसी तरह से किलो ओम को जब ओम में करते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 1.5 × 1000 ओम। बात रही समझ में, अब आई का वैल्यू बताइए, आई का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ कितना है 0.08 एम्पियर। अब तो कुछ नहीं रह गया, अब आपसे जो है क्या निकाल देना है आपको, अब बस आपको पी का वैल्यू निकाल देना है, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई का वैल्यू आ गया 0.08 × 0.08, क्योंकि स्क्वायर इसलिए दो बार लिख दिए, और आर का मान कितना आया था अभी हम निकाले हैं 1.5 × 1000 था ना, 1.5 × 1000, 1000 क्योंकि ये किलो ओम से ओम में करने के लिए। इन चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो प्रेम से आपको आंसर जो आएगा 9.6 वाट, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, देखिए 279 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट ए 40 वाट फ्लोरोसेंट लैम्प, ड्रॉ ए करेंट ऑफ 0.10 एम्पियर। देखिए एक 40 वाट के फ्लोरोसेंट लैम्प जो करंट लेता है तो उस प्रकाशमय तो उसे प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो एक 40 वाट का जो है ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसेंट लैम्प क्या होता है, ट्यूबलाइट जो होता है, ठीक है, और वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है, 40 वाट है, ओके, ए का वैल्यू आई मीन करंट का वैल्यू आई, आई का वैल्यू कितना है 0.10 एम्पियर है, ओके,
तो ये वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, वी बराबर बता दीजिए इसको, ठीक है, कितना वोल्टेज का आवश्यकता होगा उसको जलाने के लिए उस ट्यूबलाइट को, ओके, तो क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे सिंपल है, पी इक्वल टू वी आई, यहाँ से हो जाएगा वी इक्वल टू पी बाय आई, मान रखिए सबका, तो हो गया 40 डिवाइडेड बाय 0.10। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर 20 आ जाएगा, अब एक यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 400 वाट, 400 वाट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अब जो है पावर पे अब और एक भी क्वेश्चन अब नहीं कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए ओम्स लॉ पे, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए और मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। देखिए 280 नंबर क्या है, हाउ मेनी आवर विल इट टेक फॉर 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 किलो वाट आवर एनर्जी, ठीक है, तो देखिए 100 वाट के बल्ब को 1 किलो वाट आवर ऊर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे का आवश्यकता होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं, ठीक है, आप लोग पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारा ई होता है, ई क्या है, एनर्जी है, शक्ति, ठीक है, तो ई बराबर होता है पी इंटू टी होता है, पी क्या है, ई हो गया आपका एनर्जी, अब पी क्या हो गया पावर, टी क्या है टाइम है। चलिए समझ गए, अब बात रहा कि अब इन चीजों को हम लोग का यूनिट पे खासकर ध्यान रखना है, क्वेश्चंस गलती क्यों होता है, छोटे छोटे मिस्टेक्स जो कि यूनिट करवा देता है गलती। देखिए एनर्जी जो होगा वो किलो वाट आवर में होगा, ठीक है, किलो वाट आवर में, पावर जो जब भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो पावर आपको किस में करना है, पावर आपको किलो वाट में लेना है, क्योंकि यहाँ पे किलो वाट आवर में है इस वजह से, टाइम को किस में लेना है, घंटा में लेना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमको जो वाट दिया हुआ है, ठीक है, हमको जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखिए पावर का जो मान दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, पावर का वैल्यू यहाँ देखिए 100 वाट बल्ब के बारे में बोला, तो 100 वाट वाट में दिया हुआ है, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको किस में लाना है, पावर को किलो वाट में लाना है, तभी क्वेश्चन हमारा होगा सॉल्व, ठीक है। तो एनर्जी का मान कितना है, 1 किलो वाट आवर वैल्यू है, ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इन डाटाज को रखते हैं, ठीक। तो E इक्वल टू पी टी, ई का मान कितना है, एनर्जी का वैल्यू 1 किलो वाट आवर दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है ना, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, W लिख दिया यहाँ, गलत है, ये W नहीं होगा, इस जगह देखिए ये वाला 1 किलो वाट आवर एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब इक्वल टू P का वैल्यू देखिए, पावर कितना है, 100 वाट है ना, इस जगह देखिए 100 वाट बल्ब है, ये 100 वाट, तो यहाँ 100 वाट हम लोग नहीं रख सकते हैं, सिर्फ 100 वाट नहीं रख सकते हैं, इसको किस में करना होगा, 100 वाट में है, तो इस वाट को करना पड़ेगा किलो वाट में, किलो वाट में करने के लिए 1000 से भाग करना होगा, अब ये आ गया हमारा किलो वाट में, ओके। और जो टाइम है, टाइम तो पूछा गया है आपसे, तो टाइम को टाइम रहने दीजिए, ओके, जो ये वैल्यू निकल के जो देगा आपको, ये किस में देगा, आपको घंटा में ही देगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी यदि हम इन यूनिट्स को भी यहाँ पे रखें, यदि तो देखिए क्या होगा, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 100 बटा 1000, और यहाँ पे क्या होगा, इस जगह किलो वाट इंटू टाइम। अब इन चीज़ों को सॉल्व कीजिए, सब क्या किए, कुछ नहीं किए, सब बस यूनिट को रख दिए, देखिए ये 00 तो यहाँ से कट गया,
अब ये जो है किलो वाट, इस एक किलो वाट यहाँ से किलो वाट से कट गया, अब यहाँ क्या बच गया, घंटा बचा ना देखिए। और ये जो टेन है ये टेन चल जाएगा ऊपर, एक के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन, और यहाँ पे एच है तो टेन एच इज इक्वल टू टाइम। तो आंसर कितना आ गया, टाइम का मान कितना आया टेन एच, टेन एच क्या है आवर, आवर घंटा, तो टाइम बराबर हो गया 10 घंटा या फिर आवर। चलिए देख लीजिए इसको एक बार आप लोग, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ उस टाइम में आप लोग स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उसके बाद आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम मिनिमाइज करते हैं, जब छोटा करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ छोटा हो गया है, अभी इसको बड़ा करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन से आउट हो जाएगा, इस वजह से दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाएगा। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 281। अब देखिए, अब जितना इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म्स जो पार्ट्स थे सारा खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का मेंसुरेशन और ये सब चैप्टर्स जो है अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, और मोर और लेस आई थिंक मेरे समझ से 5-6 क्लास में ये पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 281 क्या है, स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, एरिया बोला गया है निकालने के लिए, और साइड जो है वर्ग का जो भुजा है वो दिया हुआ है, भुजा कितना है भाई 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का एरिया बोल रहा है, ये एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है, और भुजा दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि नहीं है, वर्ग का फॉर्मूला या फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 18 × 18 तो कितना हो जाएगा 324। ठीक ना, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का ख्याल रखिएगा यहाँ पे। अब क्या करेगा, ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आप लोग यहाँ मार दिए डी। ठीक है, डी मार दिए, बहुत खुश, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, इसी ऑप्शन नहीं देता यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए क्या देता आपको, 324 सेंटीमीटर दे देता सी ऑप्शन, यहीं पे रहता। आप देखते रहे, अच्छा बहुत अच्छा, 324 तो आ गया मेरा, मारो सी फटाफट, बस वहीं गलती, इसलिए क्योंकि यूनिट वहाँ पे सेंटीमीटर दे रहा था ना, आपको डी मारना पड़ेगा, डी सेंटीमीटर स्क्वायर में मारना होगा, इसलिए यूनिट का मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को कि WCS में और कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिट खासकर यूनिट का ख्याल रखिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, एक स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है, देखिए ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, इसका जो भुजा है कितना है 28 है, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, और ये भी 28 होगा। आपसे ना क्या पूछा गया है, इसका विकर्ण पूछा गया है, डायगोनल पूछा गया, ये क्या होता है, ये विकर्ण जो है ये पूछा गया है। तो मान लीजिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, आपको ये निकालने के लिए, अच्छा आप लोग को स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी पता होगा कि हर जो एंगल होता है, हर कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यदि ये एक हम लोग देखें तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, है ना, जहाँ की एक भुजा, जहाँ की ये जो है हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये जो हमारा क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि 90 डिग्री एक एंगल भी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा करके जो ये हमारा जो वैल्यू है कि क्या चीज़, ये जो डायगोनल है जो कि कर्ण है BD, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए BD का जो स्क्वायर होगा वो किसके किसके बराबर होगा, AD प्लस AB हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये हो हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का या फिर लंब का स्क्वायर जिसको कि परपेंडिकुलर कहते हैं P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर।
इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए पी और बी जो है, ये जो पी परपेंडिकुलर जो है कितना है 28 है, और बेस कितना है 28 है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 784 प्लस 784। ओके चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1568। ये आ गया एच स्क्वायर का मान, ठीक है। लेकिन जब एच का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा इसी का रूट बन जाएगा 1568, ठीक। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको तकरीबन देगा 39.59 ओके सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब ये वाला जो टर्म था, ये वाला, इसका जो स्क्वायर रूट जो निकाले हैं ये आपको भाग विधि से निकालना है, ठीक। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाग विधि के जरिए, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है WCS का, मेरे ख्याल से पार्ट नंबर 3-4 में मिल जाएगा आप लोग को स्क्वायर रूट का। आप लोग देख लीजिएगा कैसे मैं उसका सब चीज़ बताया हूँ कैसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या आया 39.59, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी हो जाएगा, ओके डी। तो ये जो लेंथ था डायगोनल कितना 39.59 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त हो रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, और कुछ यदि डाउट्स रहता है आप लोग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लिया कीजिए, और पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोग का बहुत ही नज़दीक है, तो मन लगा के पढ़िए, और बच्चों तक, दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है इन वीडियोस को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दिल खोल के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।